भाई वाह, किसी की बदतमीजी इतनी ज्यादा पसंद आ रही है कि उसके लिए सोशल मीडिया पे हैशटैग चालू कर दिया। भाई ऐसा ही कुछ निकी तंबोली के साथ हो रहा है। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बताना चाहता हूं दोस्तों, तो निक्की तंबोली की बदतमीजी को सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी हाँ, सलमान खान वीकेंड के बार पे आते हैं, सलमान खान बोलते हैं निक्की आपको कितना समझाएं, मतलब कि कितना आपको मैं पहले भी समझाता था, वापस जब आप आई तब भी समझाता था और अब भी समझा रहा हूं, आपने सुधरने का नाम नहीं लेना है। तो अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, तो निक्की की बदतमीजियों पर सोशल मीडिया पे हुआ है एक बवाल और निक्की फैंस ने एक हैशटैग चालू कर दिया है, #WeLoveBadtameezNikki। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले तो कि निक्की तंबोली जो है उनके लिए बदतमीज का एक टैग दिया था जिसपे फैंस को बहुत आपत्ति जताई थी उन्होंने, और रेखा शर्मा जी जो कि नेशनल वुमेन कमीशन की चीफ हैं, उनके उनके लिए एक ओपन लेटर भी जारी किया था। अगर आपको मेरी वो वीडियो नहीं देखी आपने तो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बात की थी। फिर उसके बाद निक्की तंबोली की आई यानी कि उनकी माता जी से भी मैंने बातचीत करी थी, इंट्रैक्शन किया था, और उन्होंने भी यहाँ पर कहा था कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब बदतमीज कहा जाता है, लेकिन सिर्फ निक्की ही घर पे बदतमीज नहीं है, निक्की छोटी है इसलिए उस पर इल्जाम लगता है, बाकी के और लोग भी, एजाज खान बदतमीज है, डुबलिना बदतमीज है, उनको क्यों नहीं कहा जाता कि वो बदतमीज है। अब वीकेंड के वार पे दोस्तों फिर से एक हंगामा हो रहा है, वी लव बदतमीज निक्की, इस तरीके से सोशल मीडिया पे हंगामा मच रहा है। और आपको बताना चाहता हूं कि 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने उसमें ट्वीट कर दिया है। जी हाँ, 40,000 से भी ज्यादा लोग जो है उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वी लव बदतमीज निक्की, यानी कि निक्की तंबोली को मिल रहा है भौकाल सपोर्ट और निक्की की बदतमीजियों को ही लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो दोस्तों, इस पर आपको क्या है कहना, आपका क्या है रिएक्शन, मैं जानना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, क्योंकि बिग बॉस बोले तो सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज।